असलम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आल आर गुड वेलकम टू यंप्यूटर साइंस क्लास एंड आई एम यूर टीचर मिस नेदाजहमद स्टूडेंट्स टुडे स्टार्ट लेसन नंबर सिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ पेज नंबर फिफ्टी ये पेज नंबर फिफ्टी एंड इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ हमने लास्ट चैप्टर uh, में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है और उसमें विंडोज़ का मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था फर्दर इसको हम आज के लेसन में कंटिन्यू करेंगे लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 51 कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ठीक है हम कोई भी काम करें कंप्यूटर पर तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो ठीक है कम्युनिकेशन हो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर पॉसिबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी सेव होता है मैनुफैक्चर कंपनीज जो होती हैं वो ये डेवलप करती हैं और फिर उसकी मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है ये मेमोरी में पहले से इसलिए मौजूद होता है क्योंकि ये बाकी प्रोग्राम्स की रनिंग को कंट्रोल करता है ठीक है ये कंप्यूटर को बेसिक टास्क या रूटीन टास्क परफॉर्म करने के बारे में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इट हेल्प्स द यूज़र कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम ठीक है एक तो ये बाकी के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ ये यूज़र की हेल्प करता है कि यूज़र ने कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से कंट्रोल करना है फिर हमने लास्ट लेक्चर लास्ट लेसन में यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस द द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र इज़ नोन एज़ यूज़र इंटरफेस उसमें हमने पढ़ा था कमांड लाइन इंटरफेस और सेकेंड वन वर्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस क्या था कि हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं कोई भी कमांड टाइप करके कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉमेशन प्रोवाइड करता है ठीक है जबकि जो दूसरा इंटरफेस है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसमें हम डिफरेंट ग्राफिक्स को यूज़ करते, है, यूज करते हैं डिफरेंट इमेज़ को यूज़ करते हैं लेट्स स्पोर्स ये देखें ये कंप्यूटर की स्क्रीन है आपके सामने आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ओपन करना चाह रहे हैं आप माउस के कर्सर को यहाँ तक लाएंगे लेट्स सपोज अगर आपने इंटरनेट ओपन करना है तो आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे और फिर माउस पे लेफ़्ट साइड वाले बटन को क्लिक करेंगे तो, तो ये ओपन हो जाएगा ठीक है यानी कि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई टेक्स्ट टाइप नहीं किया आपने सिर्फ एक ग्राफिक को सिलेक्ट किया डिफरेंट आपको इमेज़ या आइकन्स नज़र आ रहे हैं जो चीज़ आप खोलना चाह रहे थे आपने उसके इमेज को क्लिक किया और वो चीज़ ओपन हो गई कंप्यूटर ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या करता है इट इनेबल्स द यूज़र टू गिव कमांड्स थ्रू आइकन्स एंड पुल डाउन मेन्यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर को कैसे कमांड देते हैं आइकन्स के थ्रू और पुल डाउन मेन्यूज़ के थ्रू यानी कि डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं या मेन्यू स्क्रीन पे शो होता है और उसमें से हम अपने डिज़ायर्ड फाइल को सिलेक्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या जी यू आई यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ठीक है आपने भी नाम सुना होगा विंडोज़ का विंडोज़ लोड्स ऑटोमेटिक विंडोज़ लोड्स ऑटोमेटिकली वन द कंप्यूटर इज स्टार्टड जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो विंडो ख़ुद ब खुद लोड हो जाती है जब विंडो पूरी तरह से लोड हो जा हो जाती है तो क्या होता है स्क्रीन कॉल द डेस्क टॉप इज़ डिस्प्लेड जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो विंडो लोड होती है तो इस तरह से एक स्क्रीन अपेयर हो जाती है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर के ऊपर जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस पड़े होते हैं डिफरेंट चीज़ें आपकी डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं जिसको आप ओपन करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड द डेस्कटॉप इज़ अ वर्क स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स और लोकेटेड डेस्कटॉप क्या है डेस्कटॉप वो जगह है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर जहां पे आपके अहम टूल्स पड़े होते हैं ठीक है अहम टूल्स से मुरादी है कि आपकी डिज़ायर्ड फाइल्स डिज़ायर्ड जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पर मौजूद होता है दीज टूल्स आर यूज़ टू परफॉर्म टास्क लाइक स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट अब ये टूल्स क्या करते हैं ये टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइक अगर हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है या हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि डेस्कटॉप के ऊपर अपेयर होती हैं सबसे पहले है द पॉइंटर Microsoft Windows allows the user to use a mouse to give commands. हम माउस यूज करते हुए विंडोज में ठीक है विंडोज में हम क्या कहते हैं माउस यूज़ करते हुए कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं द माउस मूव्स अ पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप टू सेलेक्ट आइकन्स एंड मेन्यू ऑप्शन जैसे जैसे आप माउस को मूव करते हो कंप्यूटर के ऊपर छोटा सा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एरो अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंटर ठीक है हमने जो भी आइकन सेलेक्ट करना है या जो भी मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है हम वो पॉइंटर उसके ऊपर मूव करते हैं और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड है जी द ऑब्जेक्ट्स एंड आइकन द प्रोग्राम्स एंड फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स अब डेस्क टॉप के ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं कोई भी प्रोग्राम कोई भी फाइल पड़ी है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक आइकन होता है जैसे कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसको इससे इंडिकेट किया जाता है ठीक है माय कंप्यूटर है तो उसको ये देखिए छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ इससे जाहिर किया जाता है हर आइकन हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक आइकन होता है आइकन क्या है बेसिकली इट इज़ अ पिक्चर और सिम्बल दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम और फाइल आइकन से मुराद एक छोटी सी पिक्चर या एक कोई भी अलामत होती है जो कि किसी प्रोग्राम या फाइल को रिप्रेजेंट करती है फिर है द टास्क बार द टास्क बार इज़ अ और बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्क टॉप ठीक है डेस्क टॉप के बिल्कुल नीचे एक औरजेंटल uh, लाइन होती है ये इसको कहा जाता है टास्क बार एट द लेफ्ट एंड इट हैज़ अ स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करते हो तो क्या होता है स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है ठीक है और स्टार्ट मेन्यू में तमाम प्रोग्राम्स और तमाम फाइल्स होती हैं जिनमें से जो भी आपकी डिज़ायर्ड फाइल या आपका डिज़ायर्ड मेन्यू है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा भी डेस्कटॉप पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो हाफिज़